हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है अर्बन वर्ल्ड में। अभी तक हमने आपको सिखाया कि कैसे स्टोर सेटअप कर सकते हैं, थीम डाल सकते हैं, सभी वगैरह इंपॉर्टेंट पेजेस डाल दिए हैं, पर वो इंपॉर्टेंट पेजेस कहाँ आने चाहिए, कहाँ दिखने चाहिए, वो आज हम आपको सेटअप करवाने जा रहे हैं। हेलो गाइज, माई नेम इज हर्ष गोसाई, वी आर डूइंग इंडियन ई कॉमर्स एंड वी आर डिजिटल मार्केटर्स। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि नेविगेशन बार का कैसे यूज कर सकते हो। एक ऊपर मेन मेनू में नेविगेशन बार आता है और एक नीचे फुटर में आता है, तो हम वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स डालना सिखाएंगे। तो जल्दी से चलते हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच। हेलो, तो आज हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन पे। तो लास्ट टाइम हमने पेजेस ऐड किए थे, पर उसमें एक पेज ऐड करना रह गया था अबाउट अस के बारे में, तो फटाफट से वो हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर में आके पेजेस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ऐड पेज पे जाओगे तो यहाँ पर सिंपली लिख दो अबाउट अस। अगर आपने एवोलिन थीम डाउनलोड की हुई है तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। तो अबाउट में ये अबाउट टू और अबाउट दो ऑप्शन है, तो अभी के लिए हम अबाउट वन कर अबाउट टू कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं पेज कैसा दिख रहा है। तो देख लो, अभी आपको ये ऐसा पेज दिखेगा, बाय वी आवर विजन आवर मिशन कॉन्टेक्ट अस करके ये सब अबाउट अस में आ जाएगा डायरेक्टली। अगर हम टेम्पलेट ए चूज़ करते हैं, वन चूज़ करते हैं ये, तो ये देख लो कैसा दिख रहा है अभी। देखो आ गया, ऐसा आता है। यहाँ पर आप फोटो ऐड कर सकते हो, आवर मिशन, अबाउट अस, आवर विजन, द फाउंडर, सबके फोटो वगैरह आप ऐड कर सकते हो। वो आप वहाँ से एडिट नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करना पड़ेगा। कस्टमाइज पर जाओगे तो यहाँ पर देख लो आप सीधा यहाँ पर ये अबाउट पेज है पूरा, ये एडिट करना हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हो जो भी है। यहाँ पर स्टाइल टू में अभी कुछ नहीं करना है। आवर मिशन में डायरेक्ट एडिट कर सकते हो ये फोटो और आवर मिशन वगैरह। आवर विजन भी यहाँ से आप कर सकते हो, और ये फाउंडर वगैरह के फ़ोटो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत आपके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। जो भी आपका मोटो है, जो भी आपका विजन है, वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी मैं ये ऐसा कैसे रखता हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम सेट करने वाले नेविगेशंस। तो मतलब नेविगेशंस क्या होता है, तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ। हम हमारी वेबसाइट पे आ गए, तो ये देखो ये नेविगेशन बार है, ये होम, शॉप, बेस्ट सेलर, ये सब नेविगेशन बार है। और ये नीचे ये फुटर का लिंक्स, ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़े बहुत लिंक्स है, मैं आपको आज वो अपडेट करना सिखाऊंगा। ये लिंक्स और ये लिंक्स हम कैसे अपडेट करते हैं, वो मैं आज का आपको दिखाने वाला हूँ। तो अबाउट इसका पेज ऐड हो गया है, तो अभी आज का वीडियो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम नेविगेशन के बारे में, तो फटाफट से नेविगेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ होता है। तो ये है नेविगेशन, नहीं करवा, तो फटाफट से एक मेन मेनू ऐड कर लेते हैं। तो ये न्यू मेनू क्रिएट करने के लिए आपको ये ऐड मेनू पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका नाम हम रख लेते हैं मेन मेनू। यहाँ पर हम वहाँ पर आइटम सेट करना चालू कर लेंगे, तो पहले हम रखेंगे होम पेज। तो हमने होम पेज ऐड कर लिया है। फिर हम रखेंगे ऑल कैटलॉग्स कलेक्शंस। यहाँ पर कलेक्शन पर जाके ऑल कलेक्शन आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर और भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास क्लोथिंग ब्रांड है तो यहाँ पर मैन, वुमेंस वगैरह चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ अलग से रखना है, टी शर्ट, शर्ट, पैंट्स वगैरह रखना है, तो आप यहाँ पर सब कुछ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। पर अभी हमने कोई नीच तय नहीं की है, तो अभी हम यहाँ पर वो नहीं ऐड करेंगे। अभी हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस पे आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट अस का पेज बना हुआ है हमारे पास, तो पेज में आके कॉन्टेक्ट अस चूज़ कर लेते हैं। तो वो हो गया। अभी नया मेनू ऐड कर लेते हैं अबाउट अस करके, उसका भी पेज रेडी है, तो वो भी कर लेते हैं अबाउट अस। अगर आपको कोई नीचे उसके अंदर भी कैटेगरी उसको चूज़ करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो दिखा देता हूँ। ऐड मेनू करके यहाँ पर लेट्स से कि मेंस शर्ट, मेंस शर्ट करना है। अभी हमने कुछ कलेक्शन तो बनाया नहीं, तो होम पे ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं। ये जैसे कि आ गया मेंस शर्ट, हमको ये ड्रैग करके
कलेक्शन के नीचे डाल देना है। मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा, अभी सेव कर लेते हैं इसको अभी के लिए। तो हमारा कैपिटल में मेन मेनू हो गया है, तो अभी फटाफट से हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं स्टोर को। हम आ गए हैं स्टोर पे, यहाँ पर आ जाते हैं मेन नेविगेशन पे। मेन नेविगेशन पे आ गए, ये देख लो ये सब खुल रहा है, पर हमको यहाँ पर ये चेंज करना है। वेट अ मिनट, देखो तो यहाँ तो ये सीधा ही हो रहा है यहाँ से नेविगेशन। हमको यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है और वो एडिट कर देना है, तो होम पेज तो वैसे का वैसे ही है। ये शॉप है, वहाँ पर हम कलेक्शंस लिख देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कलेक्शन आ गया है, बेस सेलर का बना हुआ है, तो बेस सेलर देख लेते हैं एक बार। आपको सिर्फ यहाँ पर कलेक्शन ऐड कर लेना है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, बाकी कुछ चेंजेस करने नहीं है अभी के लिए। ये कॉन्टैक्टर्स का पेज है, यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स आ गया है ऑटोमेटिक, और ये अबाउट अस का पेज है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पेजेस में जाके अबाउट का चूज करना है, तो वो हो गया। कलेक्शन में जाके यहाँ पर अगर आप कलेक्शन में जाके ऑल कलेक्शन डाल देते हैं एक बार, तो हो जाएगा अपने हिसाब से। ये देख लो कितना ईजी है, मतलब इसमें कलेक्शन डालना। अगर तो यहाँ पर आपको कोई मेनू डालना है तो यहाँ पर मेनू डाल सकते हो जो उसके नीचे आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सिर्फ आपको मेन मेनू डाल के। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा सीधा ये, ऐसा करके हमने जो मेनू बनाया वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सब दिखाने के लिए इसको डालने की जरूरत, अभी इसको डालना नहीं है यहाँ पर, ये रिमूव कर देते हैं अभी अभी के लिए सेव कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा नेविगेशन बार कंप्लीट हो गया है अभी के लिए। अगर आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जींस वगैरह कुछ भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो, मैंने दिखाया से। अभी फूटर एक बार फटाफट से अपडेट कर देते हैं। ये देख लो फूटर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आओगे तो यहाँ पर आप दिख जाएगा, देखो 55 ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ चेंज कर पाओगे। मोबाइल नंबर चलो अपडेट कर लेते हैं, एक बार दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर अपडेट हो गया है, यहाँ पर आप ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ से अपडेट कर सकते हो। हो गया, देखो अगर आपको यहाँ पर चार पार्ट रखनी है तो यहाँ पर 25% फिट रखना, अगर तीन पार्ट रखते हो तो 33% रखना, तो ये अपने हिसाब से वो हो जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पीजी से जिसका हम कॉपी करना है कुछ इन्फॉर्मेशन हमने हाइड कर लिया। क्विक शॉप, यहाँ पर क्विक शॉप है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी मेनू डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे कि एक मेनू बना लेते हैं अभी के लिए सिर्फ दिखाने के लिए, चलो मेनू बना लेते हैं, मैन मैन करके मेनू बना देते हैं। यहाँ पर डालते हैं मैन शर्ट, कुछ भी डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी वो सब कलेक्शन बने हुए नहीं है, तो अभी के लिए ऑल कलेक्शन डाल देता हूँ उसमें, सब सब में ऑल कलेक्शन डाल देता हूँ। मैन शर्ट हो गया, मैंस जींस इसमें होम पेज डाल दिया है। अभी यहाँ पर सॉक्स, अभी यहाँ पर हम डालेंगे शॉर्ट्स,
तो देख लीजिए अभी हमने ये मेनू क्रिएट कर दिया है। तो ये मेनू आपको कैसे यहाँ पर डालना है वो दिखा देता हूँ, एक बार ये रिफ्रेश कर देते तो यहाँ पर मेनू आ जाएगा फटाफट। कि हम फुटर पे आ गए तो यहाँ पर था ये क्विक शॉप लिंक था, यहाँ पर ये सिर्फ मेनू चेंज कर लेना है। हमने जो न्यू मेन मेनू बनाया है वो डाल देते हैं, देख लो यहाँ पर आ गया हमारा मेनू इम्पोर्टेंट पेजेस। तो अभी हम ये इम्पोर्टेंट पेजेस एक बार सेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी मेनू बन क्रिएट करना पड़ेगा तो जल्दी से उसको क्रिएट कर देते हैं। एड मेनू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इम्पोर्टेंट पेजेस, जल्दी से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर पॉलिसीज में हमने बहुत सारे पेजेस पहले बनाए हुए हैं तो वही डाल देते हैं। शिपिंग पॉलिसीज, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शिपिंग पॉलिसीज लिखा हुआ आ जाएगा। ये कैडम ने ये कर दिया, दूसरा पॉलिसीज में जाके हमने डाला हुआ है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, वो भी ऐड कर दिया। रिफंड पॉलिसी वो भी ऐड कर लिया, प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर लिया, फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज भी डाल देते हैं इसमें। देखो ये पेजेस बहुत ज़रूरी है, अगर आप गेटवे लेने जाओगे तो ये पेजेस पहले वो चेक करेगा, उसके बाद ही आपको गेटवे का एक्सेस देगा। तो ये पेजेस मेक श्योर कि आपके वेबसाइट में अवेलेबल हो। तो अभी के लिए सेव मेनू कर देते हैं, ये सेव हो गया है तो इसको एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पर ला देते हैं वो। हमको यहाँ से फुटर में जाके इम्पोर्टेंट पेजेस में जाना था, इम्पोर्टेंट पेजेस में उसी तरह मेनू सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हमने बनाया हुआ है इम्पोर्टेंट पेजेस करके ये सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पर सब कुछ आ गया, यह है न्यूज़ लेटर। अगर आपको कुछ भी लिखना हो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो देख लो हमने फुटर सेट कर लिया है, नीचे वाला फुटर भी सेट कर लिया है और ये ऊपर वाला भी कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, तो आगे का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहीं पर कहीं दिख रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।